हेलो, मैं रुपेश कुमार। आज का टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, जिसमें हम लोग आज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बॉर्डर स्टाइल, फिल कलर और फिल पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं। और इस शीट में पहले से ही हमने कुछ डाटा इंटर किया हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं मंथ्स, नेम और डेज सारा इंट्री किया हुआ है। अब हम लोग किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ग्रुप के एरो में क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा हमारे सामने में, या फिर दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक के माध्यम से भी, या राइट क्लिक के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं फॉर्मेट सेल्स में जाके। ऐसा वही चीज़ फिर से देखने को मिला है। अब यहाँ पे हमारा फॉन्ट टैब ही खुला हुआ है, ओपन। फॉन्ट में से बहुत सारा फॉन्ट है, जैसा कि जानते हैं आप लोग, एरियल हो गया, टेलब्री, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है कि कैसा दिखता है वो फॉन्ट। आप वहाँ सेलेक्ट करके नीचे बॉक्स में देख भी सकते हैं कि वो कैसा है। तो जो अच्छा लगे वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में से इटालिक, बोल्ड, रेगुलर, जो अच्छा लगे, जैसा आपको इच्छा है लिखने का वैसा आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट कर लेंगे, 12, 16, 18, 20, जो भी। उसके बाद और भी कुछ है स्ट्राइक थ्रू, उसमें से कुछ अगर डालना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है आपका फॉन्ट का कलर, और इधर है अंडरलाइन वगैरह, कुछ भी अगर करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसा कलर रखना है कलर को रख लिए वहाँ से, और फिर पूरा कलर प्लेट है आपके सामने में, जो कलर आपको पसंद आया उसको रख के और ओके पे क्लिक कर देंगे। जी देखिए, जैसा दिख रहा है कलर चेंज हो गया है, जिस फोन को रखे हैं और जैसा रखना चाह रहे थे वैसा। बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल को सीखेंगे। दूसरा वाला कॉलम, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे, इसमें संडे मंडे लिखा हुआ है, और फिर फॉन्ट ग्रुप के एरो से फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट किए, वहाँ पे बॉर्डर स्टाइल देख सकते हैं, बहुत सारा है, सिंगल लाइन, राउंड डॉट लाइन में, डबल लाइन में, जैसा अच्छा लगे वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारा कलर है बॉर्डर का, जो कलर रखना चाहते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ से बॉर्डर के कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बॉक्स है कि बॉर्डर आपको किधर लगाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में, बॉटम में, मिडिल में, तो वहाँ से जैसा देख रहे हैं ऐसा क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल एक्चुअली सेलेक्ट नहीं है, इसलिए मिडिल वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जब आप पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बॉक्स के अंदर से भी, इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर ओके। देखिए डबल बॉर्डर हमारा उस कलर में लग चुका है। चलिए अब फिल कलर और फिल पैटर्न का ऑप्शन को सीखते हैं। इस बार हम दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ए और बी को, और फिर से फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में फिल टैब है, बॉर्डर हो गया, उसके बगल में बॉर्डर के बाद फिल टैब। फिल टैब में पहला है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, जो कलर पसंद आए बैकग्राउंड के जैसा रखना चाहते हैं आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इफेक्ट है, बहुत सारा इफेक्ट है, ग्रेडियंट टाइप, टू कलर को मिक्स करके भी कर सकते हैं, और फिर उसको सिलेक्ट करके और ओके करेंगे। अब है पैटर्न कलर, पूरा प्लेट सामने है, कलर प्लेट आपके सामने, जिस कलर में आपको पैटर्न चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब कलर सिलेक्ट हो गया है। अगला है पैटर्न स्टाइल, यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा पैटर्न का, जिस तरह से आप पैटर्न लगाना चाहें, किसी भी पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे।
देखिए नीचे में आपको व्यू मिल रहा है उनका, किस टाइप का पैटर्न हमको दिखेगा। ये यहाँ पे कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो उस हिसाब से कलर को सेट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर को, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके बटन पे। तो ये हमारा पैटर्न फिल हो गया। तो आज का क्लास इतना ही था, धन्यवाद।